हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रूम। हमने लास्ट लेक्चर में रेडियस रेशियो के बारे में पढ़ा था। हम लोग इस लेक्चर में उसको कंटिन्यू रखते हुए पैकिंग ऑफ आयनिक सॉलिड्स पढ़ने वाले हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था ये जो रेडियस रेशियो है ना, तो उसका सबसे पहला एजम्पशन यही था कि हम लोग केवल और केवल उसको आयनिक सॉलिड्स में ही यूज कर सकते हैं, मतलब कि इसमें एक केटायन पार्ट होगा और एक एनायन पार्ट होगा। अब हम लोग देखते हैं ये आयनिक सॉलिड को एक्चुअली हम लोग तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला पार्ट है जहाँ ए और बी के बीच में, मतलब ये जो ए हमने केटायन बना दिया और बी जो है उसको एनायन बना दिया है, तो इन दोनों के बीच का रेशियो जो होगा वो 1:1 होगा, राइट। वही दूसरा टाइप क्या होगा, ए बी टू टाइप पर का, जबकि इनके बीच का जो रेशियो होगा, ए मान लो केटायन है और बी एनायन है, तो इनके बीच का रेशियो 1:2 होगा, मतलब एक केटायन होंगे और दो एनायन होंगे। वहीं एक दूसरा टाइप और देखते हैं, इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ केटायन दो होंगे और एनायन एक होगा, मतलब इनके बीच का रेशियो जो है वो 2:1 होगा। इसको फ्लोराइड टाइप पर के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल होता है CaF2। वहीं ए टू बी टाइप जो है उसका एक एग्जाम्पल Na2O। तो ये एक एंटी फ्लोराइड टाइप पर का स्ट्रक्चर माना जाता है ना, तो इसका एक नाम फ्लोराइड है और इसका एक नाम जो है वो एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर है। अगर हम वापस से देखें, हम लोग अगर इस पार्ट में आ जाए जहाँ पर कि केटायन और एनायन पर का रेशियो 1:1 है, तो उसको फर्दर क्लासीफाई किया गया तीन पार्ट में। सबसे पहला पार्ट जो है वो NaCl टाइप है ना, तो ये NaCl टाइप पर को, NaCl को रॉक सॉल्ट भी बोला जाता है, इस वजह से इस टाइप पर का नाम है रॉक सॉल्ट टाइप, या NaCl टाइप भी कई बार बोला जाता है। तो बहुत सारे कंपाउंड्स NaCl टाइप पर क्यों फॉलो करते हैं। वही सेकंड जो टाइप है वो जिंक ब्लेंड टाइप है ना, ZnS टाइप या जिंक ब्लेंड टाइप। एक्चुअली ये दो पार्ट में होता है, एक होता है जिंक ब्लेंड टाइप और दूसरा होता है ऊर्जाइड टाइप, राइट। और इसका जो थर्ड पार्ट है वो है सीजियम क्लोराइड टाइप, CaCl टाइप, है ना। तो तीन पार्ट में इसको डिफाइन किया गया है जहाँ पर केटायन और एनायन पर का जो रेशियो होगा वो 1 होगा। अब इसका फर्स्ट पार्ट को देखते हैं जो कि NaCl टाइप है ना, NaCl टाइप को हमने रॉक सॉल्ट टाइप भी बोला। एक्चुअली ये बाय प्रैक्टिस देखा गया, बाय एक्सपेरिमेंट देखा गया, रेडियस ऑफ Na प्लस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ Cl माइनस इक्वल टू 0.05। आपको याद होगा रेडियस रेशियो मैंने डिफाइन किया था, रेडियस का रेशियो क्या था, रेडियस ऑफ केटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन, और ये वैल्यू आ गया 0.5। आपको वो टेबल मैंने लास्ट टाइम मगअप करने के लिए बोला था, तो याद होगा ये 0.05 का मतलब हो गया ये जो केटायन्स होंगे वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होंगे, है ना। तो अगर यहाँ पर पता चल जा रहा है कि इस वैल्यू से कि केटायन जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएंगे, तो क्या कुछ सोच सकते हैं। देखो बात बहुत सिंपल है, क्योंकि ये रेडियस रेशियो जो है वो केवल और केवल आयनिक क्रिस्टल्स में ही होता है, और मैंने ये बताया था कि केटायन जो है वो एनायन के रेस्पेक्ट में छोटा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो लैटिस पॉइंट्स हैं वहां पर हम लोग जो बड़ा साइज पर का चीज है उसको डालेंगे। तो बड़ा साइज पर का चीज कौन होता है, एनायन, है ना। तो एनायन जो होंगे वो लैटिस साइड्स में जाएंगे, राइट, और केटायन जो है वो हम लोग उसको वॉइड्स में इंट्रोड्यूस करेंगे। अब इस वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, Cl माइनस विल ऑक्यूपाई ऑल द लैटिस साइड्स ऑफ FCC। तो FCC के जितने सारे भी लैटिस साइड्स हैं वहां पर हम लोग किसको रखेंगे, Cl माइनस को, क्योंकि एनायन है और इसका साइज जो है वो बड़ा है। तो लैटिस साइड्स इसमें क्या क्या है, लैटिस साइड्स FCC में आपको पता है कौन सा होता है, फेस सेंटर होता है और साथ में कॉर्नर्स होते हैं। तो फेस सेंटर की वजह से नंबर ऑफ Cl माइनस कितने हो जाएंगे, 3, वही कॉर्नर्स के वजह से 1, तो टोटल मिला के हमारे पास 4 Cl माइनस हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एक यूनिट सेल की बात करें तो, है ना। तो वही लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ Cl माइनस इन 1 यूनिट सेल इज 4, है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, Na प्लस आयन विल ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आपको यहाँ पर रेडियस रेशियो से ये मिल गया कि Na प्लस आयन जो होंगे वो सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएंगे। अगर वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएंगे तो आपको पहले ही पता है कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतना ही होता है जितना कि लैटिस साइट होता है। तो हम लोग इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि नंबर ऑफ ये जो Na प्लस होंगे उनका नंबर भी 4 हो जाएगा। तो उनके बीच में अगर एक यूनिट सेल में बोल सकते हैं तो Na की सोडियम कितने हो जाएंगे, सोडियम 4 हो जाएंगे, और उसी तरह Cl भी कितना हो जाएंगे, Cl भी 4 हो जाएगा। तो इनके बीच में आप जब सिंपल रेशियो निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, NaCl,
एग्जैक्टली तो इनके बीच आप रेशियो देखो 1:1 डिफाइन भी हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर का, तो कोऑर्डिनेशन नंबर Na+ का फिक्स हो जाएगा। अब आपको पता है कि Na+ जो है वो ऑक्टाहेड्रल होल में है, और आपको ये भी पता है कि ऑक्टाहेड्रल होल उसको बोलते हैं जो कि 6 स्फेयर से घिरा हुआ होता है, राइट, जो कि 6 स्फेयर से घिरा होता है उसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल होल बोलते हैं। तो इस वजह से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 होगा। वहीं अब इसको रिप्रेजेंट करना है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीएल माइनस इज 6। तो इसको जब तक हम लोग फिगर नहीं देखेंगे तब तक उतने अच्छे से क्लियर नहीं होगा। मैं इसको फिगर से आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, राइट। अब आप ये फिगर देखो, ये फिगर जो है एनएसीएल टाइपर का क्रिस्टल है, जहां पर ये जो बड़े वाले स्फेयर है ये सीएल माइनस है, और ये जो छोटा वाला स्फेयर है ये क्या है, एनए प्लस है, राइट। छोटा वाला स्फेयर को हम लोग एनए प्लस बोलेंगे, और ये जो बड़ा वाला स्फेयर है ये सीएल माइनस है। अब इनका जो रिप्रेजेंटेशन है, देखो कि सीएल माइनस सारे के सारे कॉर्नर्स में आपको नजर आ रहे होंगे, और साथ में सारे के सारे फेस सेंटर पर भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये अगर एनायन है और इसका साइज बड़ा है तो इसको हमने सारे लैटिस साइड्स में इंट्रोड्यूस किया है, जबकि ये जो एनए प्लस है एनए प्लस सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल होल में होंगे। तो ऑक्टाहेड्रल होल मैंने पहले ही लेक्चर में बताया हुआ है कि वो सारे एज सेंटर पर होते हैं और साथ में एक बॉडी सेंटर पर होता है, राइट। तो आपको जब कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर दिखाया ना, तो मैं यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट कर दूँ, बाकी सारा तो हम लोगों ने लगभग समझ लिया है। तो जैसे मान लो इस पर्टिकुलर केटायन की बात करें जो बॉडी सेंटर पे है, तो देखो यहाँ पर से ये एक सीएल माइनस से अटैच है, यहाँ पर एक सीएल माइनस से अटैच है, इधर टॉप और बॉटम यहाँ पर 2 हो गए और यहाँ पर भी 2 हो गए। मतलब कि आर्बिट्ररी हमने अगर किसी भी एक ऑक्टाहेड्रल होल को पिक करा तो आप देख सकते हो वहां पर वो पर्टिकुलर एन ए प्लस 6 Cl- के थ्रू अटैच है, मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, आपको पता चल गया, और इसी वजह से तो हमने उसको ऑक्टाहेड्रल होल बोला। वहीं आप आर्बिट्ररी किसी भी सीएल माइनस को पिक करोगे, है ना, मान लो आपने ये वाला सीएल माइनस पिक करा, तो देखो यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर एक्सिस में, मान लो अगर ये एक्स एक्सिस है, राइट, तो एक्स एक्सिस में आपको एक एन ए प्लस मिल रहा है, तो इस एक्सिस को आगे बढ़ाओगे, जैसे कि ये पीछे वाला यूनिट सेल है उसी तरह फ्रंट में भी एक यूनिट सेल होगा, तो उसके इस पर्टिकुलर साइड में भी एक एन ए प्लस इस साइड होगा, है ना। मैं 3D यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, उसी तरह मान लो ये नीचे में आपको नजर आ रहा होगा एक एन ए प्लस अगर नीचे गया, उसी तरह जैसे इसको ऊपर एक्सट्रूड करेगा वहां पर भी एक एन ए प्लस मिल गया। अब यहाँ पर इसके लेफ्ट में आओगे तो एक एन ए प्लस अगर ऐसे मिलता है, तो राइट में जाओगे तब भी एक एन ए प्लस ऐसे मिल जाएगा। तो आप सोच सकते हो यहाँ पर ये जो सी एल माइनस है वो भी टोटल मिला के 6 Na+ के थ्रू अटैच है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग बोल सकते हैं सीएल माइनस के केस में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। अब हमें इस NaCl टाइप पर के क्रिस्टल में इनका जो एज लेंथ है और रेडियस ऑफ कैटायन और साथ में रेडियस ऑफ एनायन के साथ एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप डिस्कस करना है। देखो वो रिलेशनशिप क्या है, मान लो इसका एज लेंथ हमने स्मॉल a मान रखा है, तो उस स्मॉल ए में आप देख पा रहे हो रेडियस ऑफ एनायन 2 टाइम्स रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, अगर इनको आप कलेक्टिवली एक साथ सम कर दोगे ये एज लेंथ ए आ रहा है। आप इसको यहाँ पर भी समझ सकते हो, देखो यहाँ पर 2 फिगर जो बने हुए हैं पिंक कलर के जो स्क्वेयर हैं वो एनायन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वहीं ये जो कैटायन है वो ऑक्टाहेड्रल होल में है ये पता चल रहा है। तो आप अगर यहाँ पर से यहाँ तक आओगे, इसके सेंटर से यहाँ तक आओगे, तो आपको पता है ये रेडियस ऑफ एनायन है, वहीं अगर यहाँ से यहाँ पर आओगे ये तो 2 टाइम्स रेडियस ऑफ केटायन है, मतलब आप बोल सकते हो डायमीटर ऑफ केटायन है। वहीं वापस से आप यहाँ से यहाँ तक आओगे तो ये क्या है, रेडियस ऑफ एनायन है। तो आपने यहाँ पर देखा कि एक्चुअली ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है ना, यही आपका एज लेंथ है। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो एज लेंथ ए इक्वल टू हो जाएगा ये 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। आप याद रखना ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है, राइट। यहाँ पर से बहुत सारे सवाल सॉल्व होते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है जहां पर कि एक एनएसीएल टाइप पर का जो एज लेंथ होगा ए वो इक्वल टू होगा 2 टाइम्स रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, राइट। अब हम लोग एक प्रॉब्लम देखते हैं, बोल रहा है अ क्रिस्टल ए बी एग्जिस्ट इन रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, है ना, जो ये ए बी है वो रॉक सॉल्ट टाइप पर के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। इट्स
एज लेंथ इज 200 मीटर, और उसका एज लेंथ जो है वो 200 मीटर है। रेडियस ऑफ ए प्लस, ए प्लस का मतलब कैटायन की बात कर रहा है, रेडियस ऑफ ए प्लस इज 35 mm। फाइंड द रेडियस ऑफ बी माइनस। तो हमने अभी जस्ट एक रिलेशनशिप निकाला था, है ना। रिलेशनशिप था आपका एज लेंथ और रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन के बीच। वो क्या था, एज लेंथ इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। अब हम लोग देखते हैं, है ना, इसको सॉल्व इसने कैसे करा है। तो देखो फॉर्मूला हमने वही अप्लाई करा, है ना। तो ये फॉर्मूला जो है वो क्या है, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ सी एल माइनस प्लस 2 टाइम्स रेडियस ऑफ एन ए प्लस, 2 टाइम्स आर सी एल माइनस प्लस आर एन ए प्लस, है ना। तो आप ये फॉर्मूला पुट करो, यहाँ पर से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 100। तो आर सी एल माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस ऑफ आर ऑफ एन ए प्लस। तो 100 माइनस 35 एंड दैट इज 65। आपको यहाँ पर से वैल्यू समझ में आ रहा होगा, ये 65 ही होना चाहिए, राइट। तो सिंपल है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट सवाल भी सिंपल होगा, इसमें बहुत सिंपल टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। वो ना, एज लेंथ ऑफ ए रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर इज 100 mm, द रेडियस ऑफ एनायन इज 30 mm, फाइंड द रेडियस ऑफ कैटायन। अगेन हम लोग सेम फॉर्मूला पुट करेंगे, 2R एनायन प्लस 2R कैटायन इक्वल टू 100। तो आर कैटायन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 माइनस 30। आप 2 से इसको कंप्लीट डिवाइड करोगे तो 50 आ जाएगा, तो 50 माइनस 30 करोगे तो कितना आ जाएगा, 20, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है इफ अ क्रिस्टल एग्जिस्ट इन रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर बट द कैटायन ए ऑक्यूपाई ओनली 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बोल रहा रॉक सॉल्ट टाइप का स्ट्रक्चर पर एग्जिस्ट कर रहा बट केवल 50% ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे होंगे, है ना। हम लोगों को पता है कि रॉक सॉल्ट टाइप का ये जो स्ट्रक्चर होता है उसमें लैटिस साइड पर होते हैं एनायन, और जितने सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं उसमें सारे पर कैटायन होते हैं, राइट। बट इसने बोला है केवल 50% पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर ए हो एंड कैटायन बी ऑक्यूपाई रेस्ट ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो रेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने, 50% बचते हैं। एनायन सी ऑक्यूपाई ऑल द लैटिस साइड, तो सी जो है वो सारे लैटिस साइड पे ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो आपको पता है सारा लैटिस साइड कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। वही केटायन अगर 50, केटायन ए अगर 50% है तो वो कितना हो जाएगा, ए का नंबर हो जाएगा 2। वही एनायन भी 50% है तो बी का नंबर भी कितना हो जाएगा, 2। ये हो जाएगा ए 2 हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, बी भी 2 हो जाएगा, और सी कितना हो जाएगा, सी तो 4 हो जाएगा क्योंकि टोटल सी 4 होगा। अब इनका सिंपल रेशियो निकालोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी सी 2, राइट। तो ए बी सी 2 ये मॉलिक्यूल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। अब ये 1:1 में जो सेकेंड टाइप है, 1:1 में जो सेकेंड टाइप है वो है जिंक ब्लेंड टाइप, ये ZnS टाइप, राइट। तो इसका दो टाइप पाया जाता है, एक जिंक ब्लेंड टाइप और एक ऊर्जाइट टाइप हम लोग बोलते हैं। तो ये जो इसका रेडियस रेशियो, अब जब आप निकालोगे तो इसका रेडियस रेशियो क्या हो जाएगा, आर जेड एन टू प्लस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस टू माइनस, है ना। केटायन बाई एनायन पर का आप रेशियो निकाल लो तो ये अप्रॉक्स 0.4 आएगा। अब जब आप इसको मैच करने की कोशिश करोगे आपका रेडियस रेशियो वाला टेबल से, तो आपको पता चलेगा इस पर्टिकुलर रेडियस रेशियो पर अगर कोई सॉलिड एग्जिस्ट कर रहा, कोई अगर क्रिस्टल एग्जिस्ट कर रहा, तो पक्के तौर पर ये जो केटायन है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएंगे, राइट। अगर ये टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएंगे, आपको पता है ऑलरेडी एनायंस जो है वो हमेशा लैटिस साइड में जाते हैं और बाकी जो जगह बच जाते हैं, जो वॉइड बच जाते हैं उसमें केटायंस जाते हैं। तो केटायंस इसमें कहाँ पर जाएंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएंगे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या बात लिखा है। बोल रहा है एस टू माइनस विल ऑक्यूपाई ऑल द लैटिस साइड, तो क्योंकि ये एनायन है तब तो ये लैटिस साइड्स में जाने ही चाहिए क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है। नेक्स्ट बात बोल रहा है अगर ये टेट्राहेड्रल वॉइड में जाते हैं, तो आप इस बात को समझो, अगर टेट्राहेड्रल वॉइड पे जाते हैं तो हमें पता है ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है उनका नंबर, अगर एफसीसी की बात करें तो जो लैटिस साइड्स होते हैं उनका 2 टाइम्स होता है, मतलब नंबर उनका कितना हो जाएगा, एक यूनिट सेल की बात करें तो 8 हो जाएंगे। और अगर ऐसा होता तो कितना हो जाएगा, जेड एन का 2 और सल्फर 4, मतलब इनका अगर सिंपल रेशियो निकालोगे तो जेड एन 2 और एफ बन जाएगा, जबकि हमारा फॉर्मूला दिया हुआ जेड एन एस। तो स्टोचियोमेट्री उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका कहने का मतलब क्या है कि सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो पक्के तौर पे जेड एन से नहीं भरे होने चाहिए। अब उसमें हम लोग देखेंगे कि हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड आर ऑक्यूपाइड बाई जेड एन प्लस, तो उसमें केवल हाफ ऐसे होंगे, या कहें कि 50% जो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे वही केवल जेड एन टू प्लस से भरे हुए होंगे, बाकी सारे जो होंगे वर्ड्स वो यूं ही खाली पड़े हुए होंगे, राइट। तो
तो उस वजह से अब आप अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करो तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है, तो आपको पता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स की वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड बच्चे बोलते भी तो उसी को है कि जो चार स्क्वायर से घिरा हुआ हो, राइट। तो यहाँ पर तो जेड एन प्लस क्योंकि ये वॉइड पे है तो समझ में आ रहा है कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए। जबकि एस टू माइनस है ना, एस टू माइनस ये जो एनायन है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसमें 4 लिखा हुआ है। तो ये कैसे ये आया, इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो, बच्चे मान लो आपने एक कॉर्नर पर का जो एटम है उसको पिक करा है, राइट। अब सोचो कि वो कॉर्नर पर का एटम है तो वो पर्टिकुलर 8 यूनिट सेल को पार्टिसिपेट कर रहा होगा, है ना। 8 यूनिट सेल के लिए वो कॉमन सा एटम होगा। तो सोचो वहां पर से अगर बॉडी डायगोनल आप ड्रॉ करोगे, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है उसका लोकेशन कहाँ पर होता है, तो आप सोचो कि ये जो यूनिट सेल है, राइट, इस यूनिट सेल के बारे में अगर बात करें हम लोग, है ना, इस यूनिट सेल का मान लो ये कॉर्नर पर का एटम है। अगर ये कॉर्नर पर का एटम है बच्चे, है ना, तो वो 8 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। और अगर 8 यूनिट सेल को वो कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, और मैंने बताया था पहले ही टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशन वो क्या होता है, बॉडी डायगोनल में होता है, तो उससे निकलने वाले बॉडी डायगोनल 8 यूनिट सेल के लिए नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, 8। तो टोटल नंबर ऑफ 8 बॉडी डायगोनल होंगे, बट उसमें सारे के सारे जो बॉडी डायगोनल में जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं उसमें जेड एन टू प्लस एग्जिस्ट नहीं करता है, उसमें केवल 50% में एग्जिस्ट कर रहा है। तो 8 को हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो वो वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे, वो वैल्यू आ जाएगा 4। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर एस टू माइनस का भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट। अब इसका एक और टाइप जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं उडजाइट टाइप, है ना, ये भी एक मिनरल है ZnS का। अब देखते हैं इसके बारे में क्या बोला, यूनिट सेल ऑफ द टाइप HCP, ये जो है ये HCP टाइप पर का पैकिंग बनाता है ना। S2- आयन विल अरेंज एट द लैटिस साइट। तो अगर ये HCP टाइप पर का पैकिंग बनाएगा तो आपको पता है इसमें नंबर ऑफ लैटिस साइट्स में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 6, है ना। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में निकाला था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ स्क्वायर जो होते हैं लैटिस साइट के वजह से वो 6 हो जाते हैं। और आपको पता है टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है वो लैटिस साइट के 2 टाइम्स होता है ना, तो 2 टाइम्स हो जाएगा तो हो जाना चाहिए 12। बट इसका फॉर्मूला क्योंकि जेड एन एस है, मतलब सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई नहीं करते हैं, केवल हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन वही लिखा हुआ, जेड एन टू प्लस आयन आर ऑक्युपाइड हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, या फिर बोल सकते हो 50% ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, है ना। अब हम लोग पिक्चर से देखते हैं ना, तो आपको नजर आ रहा होगा इसका जो रियल स्ट्रक्चर है वो कैसे है। मैंने बताया था जेड एन एस 2 टाइप पर का होगा, एक जिंक ब्लेंड, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, उडजाइट, राइट। तो जिंक ब्लेंड को मैंने सीसीपी टाइप से रिप्रेजेंट किया था, जबकि उडजाइट को मैंने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टाइप से रिप्रेजेंट किया था। तो आप यहाँ पर देखो जिंक ब्लेंड टाइप में ये जो सल्फर है ना, ये जो ब्लू वाले हैं, है ना, ब्लू वाले स्फेयर, ये क्या है, सल्फर है। ये आपको नजर आ रहा होगा सारे के सारे लैटिस पॉइंट्स पे है, मतलब कि सारे के सारे कॉर्नर और सारे फेस सेंटर पर भी आपको नजर आ रहे होंगे। वहीं ये जो कलर्ड स्फेयर हैं, ये एक टेट्राहेड्रल वर्ड है, उसी तरह ये एक टेट्राहेड्रल वर्ड है, 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 आपको नजर आ रहा होगा ये टेट्राहेड्रल वर्ड एक्चुअली इस साइड है। तो एक्चुअली आपको पता है कि सारे के सारे ये जो बॉडी डायगोनल्स है, हर बॉडी डायगोनल्स पे यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड होता है और यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो होंगे वो 8 हो जाते हैं। बट जेड एन एस में सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड पर जिंक नहीं होता है, उनमें से केवल 50% पर होता है ना, तो उसमें से केवल 50% ऐसे टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे जिनमें जिंक जेड एन टू प्लस होगा, बाकी जगहों पर नहीं होगा। उसी तरह इसका जो ये जो वुड जाइट टाइप का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होगा, आपके सारे के सारे लैटिस पॉइंट आपको नजर आ रहे होंगे, यस एस टू माइनस है, ठीक है, और जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड में कौन होगा, जेड एन टू प्लस, राइट। तो ये जेड एन एस टाइप पर का जो क्रिस्टल है ये 2 टाइप पर का एग्जिस्ट करता है, एक जिंक ब्लेंड टाइप पर का जो कि सीसीपी टाइप पर का होता है, और एक वुड जाइट टाइप पर का जो कि हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग के टाइप पर का होता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो सीजियम क्लोराइड टाइप है, सीएससीएल टाइप। तो आपको सीजियम के बारे में पता होगा, ये एक बड़ा साइज पर का कैटायन है, तो इनका जब रेडियस रेशियो निकाला गया तो इनका रेडियस रेशियो 0.9 के अप्रोक्स आया, राइट।
तो आप जब रेडियस रेशियो वाला टेबल देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर कैटायंस जो होंगे वो क्यूबिकल वॉइड्स में होंगे, है ना। तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं, सीएल माइनस आयन विल ऑक्यूपाई ऑल द लैटिस साइड, मतलब कि सारे लैटिस साइड जो है ये एक्चुअली एक प्रिमिटिव टाइप पर का लैटिस साइट में होगा, और सारे के सारे कॉर्नर्स होंगे वहां पर सीएल माइनस ऑक्यूपाई करेगा। सीजियम प्लस को हमने बॉडी सेंटर पर रखा है और सीएल माइनस को हमने कॉर्नर्स पर रखा है, राइट। तो हम लोग इसको क्यूबिकल वॉइड के तौर पर जानेंगे। अब हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर सीजियम प्लस का। तो सीजियम प्लस जो है वो बॉडी सेंटर पर है, तो बॉडी सेंटर पे होने की वजह से हम सोच सकते हैं वो सारे के सारे कॉर्नर्स के थ्रू टच में है। तो सारे कॉर्नर्स, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हो जाएंगे, 8, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 हो गया। उसी तरह सीएल माइनस, अगर एक कॉर्नर पर का आप एटम लोगे वो टोटल मिला के 8 पर्टिकुलर यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है। तो हर किसी में आप अगर बॉडी डायगोनल रिप्रेजेंट करोगे तो वो क्या होगा, वो बॉडी सेंटर के थ्रू होकर क्रॉस करेगा। कहने का मतलब क्या है, वो 8 सीएस प्लस को भी टच करेगा, राइट। तो हम लोग इस केस में नंबर ऑफ सीएल माइनस इन वन यूनिट सेल बोल सकते हैं वो कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि ये सारे कॉर्नर्स पर के वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन है। वही नंबर ऑफ सीजियम प्लस इन वन यूनिट सेल 1 हो जाएगा, जो कि ये बॉडी सेंटर के वजह से टोटल कंट्रीब्यूशन है, राइट। अब मैं इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ तो आपको और ज्यादा आसानी से समझ आएगा। अब इस पिक्चर में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो कॉर्नर वाले एटम थे इसको सीएल माइनस दिखाया गया है, और ये जो सेंटर बॉडी सेंटर पे ये जो रेड स्क्वायर है इसको सी एस प्लस दिखाया गया है। एक्चुअली इनमें यहाँ पर इस पर्टिकुलर पिक्चर में साइज का बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाया गया है, ऐसा नहीं है, है ना, साइज का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सारे के सारे कॉर्नर पर जो है वो एनायन से सीएल माइनस है, वहीं बॉडी सेंटर पे सीजियम प्लस है। अच्छा, कई बार आप ये भी ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कॉर्नर पर हम लोग सीएल माइनस को रखें। कई बार हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि सारे कॉर्नर पर हम लोग सीजियम प्लस को रखें और बॉडी सेंटर पे सीएल माइनस को रखें। तो हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं, राइट। जैसे कि ये पर्टिकुलर फिगर दिया गया है, इस पे देखो ये जो कॉर्नर है, राइट, ये किसी यूनिट सेल के लिए हो सकता है ये कॉर्नर का रोल प्ले करे, और किसी यूनिट सेल के लिए हो सकता है ये बॉडी सेंटर का रोल प्ले करे। मान लो ये जो यूनिट सेल है इसमें आप देख रहे हो कि रेड कलर पर का जो सीजियम प्लस है उसको हमने बॉडी सेंटर बनाया है, जबकि ये जो यूनिट सेल यहाँ पर दिखाया गया है इसमें जो है सीएल माइनस पर को बॉडी सेंटर बनाया गया। तो डिपेंड करता है आप कैसा लेते हो, आप दोनों को ही कॉर्नर ले सकते हो और दोनों को ही आप बॉडी सेंटर ले सकते हो। मतलब कि आप सीएल माइनस को कई बार कॉर्नर ले सकते हो, और सीएल माइनस को ही आप बॉडी सेंटर ले सकते हो। उसी तरह सीजियम को आप कॉर्नर का एटम बना सकते हो, उसी तरह सीजियम को आप बॉडी सेंटर पर का एटम बना सकते हो। तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि अगर मान लो ये बॉडी सेंटर पर का एटम है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 8 आ गया, राइट। उसी तरह अगर मान लो जस्ट इसका रिवर्स केस देखें कि सीएल माइनस को अगर आपने बॉडी सेंटर बनाया, राइट, उस केस में भी तो वो 8 सीजियम के साथ ऐसे अटैच रहेगा, और उस पर्टिकुलर केस में भी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 8 हो जाएगा, राइट। हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं फ्लोराइट स्ट्रक्चर, है ना। अब इसमें जो केटायन और एनायन पर का रेशियो होगा वो 1:2 पर का रेशियो होगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, केटायन 1 और एनायन यहाँ पर 2 होंगे। तो सबसे पहले बात जान लो कि ये एकमात्र ऐसा एक्सेप्शन होगा जहां पर कि केटायन जो होंगे वो लैटिस साइट पे होंगे और एनायन जो होंगे वो वॉइड पर होंगे। तो एकमात्र एक्सेप्शन बात यही है इसमें, है ना। अब देखो, ओनली एक्सेप्शनल पार्ट, केटायन विल ऑक्यूपाई ऑल द लैटिस साइट एंड एनायन विल ऑक्यूपाई द वॉइड। तो आपको पता होगा क्योंकि फ्लोरीन का साइज काफी छोटा है तो इसको हम लोग वॉइड पे रख सकते हैं। एनायन विल ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड। अब टेट्राहेड्रल वॉइड होना बहुत जरूरी था, उसको मैं अभी समझा रहा हूँ। आप देखो, केटायन और एनायन पर का रेशियो यहाँ पर 1:2 है। तो अगर मान लो आपने इस केटायन को लैटिस साइट में डाल दिया, तो एक यूनिट सेल की बात करें तो एक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ 4 लैटिस साइट होंगे, है ना। जो लैटिस साइट में अगर एफसीसी की बात करूं तो 1 जो होगा वो सारे कॉर्नर के वजह से होगा, और 3 जो होगा वो फेस सेंटर के वजह से होगा। तो अगर ये 4 आ गया तो आपको पता है कि 2 टाइम्स उसका एनायन है, तो एनायन का नंबर कितना होना चाहिए उस केस में, 8 होना चाहिए। और 8
अगर हमें भरना है तो टोटल हमारे पास पॉसिबिलिटी एक ही होता है, वो कौन होता है, टेट्राहेड्रल वर्ड। ये टेट्राहेड्रल वर्ड का ही नंबर जो होगा वो कैटायन के रेस्पेक्ट में, मतलब वो लैटिस साइड के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स होगा। इस वजह से हम लोग सारे के सारे एनायन को टेट्राहेड्रल वर्ड में रख लेंगे। ये एक आसान सा तरीका है समझने का भी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन किस कैटायन क्या हो जाएगा, अब आप बताओ। कैटायन जो है वो है आपका कॉर्नर पर, राइट। अब कैटायन कॉर्नर पर है क्योंकि आपको पता है उस पर्टिकुलर कॉर्नर से 8 बॉडी डायगनल ड्रॉ किए जा सकते हैं, 8 डिफरेंट यूनिट सेल्स में। तो उस पर्टिकुलर कॉर्नर से अगर 8 बॉडी डायगनल रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं तो उससे टच में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी तो होंगे, और उन 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर क्या रखा हुआ है, एनायन रखा हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं उस कैटायन पर का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 8 होगा। वही एनायन के लिए बहुत आसान है क्योंकि एनायन टेट्राहेड्रल वॉइड पे है, और टेट्राहेड्रल जो वॉइड होता है वो एक्चुअली 4 स्फेयर से मिलकर बना होता है, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं उस केस में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। ये तो काफी सिंपल सा चीज है। अब नेक्स्ट आते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, है ना। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर जो होगा वो फ्लोराइड स्ट्रक्चर के जस्ट अपोजिट होगा। इसमें कैटायन और एनायन पर के बीच का जो रेशियो है वो 2:1 है ना। जस्ट अपोजिट कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो कैटायन होंगे वो वर्ड्स पे होंगे और एनायन जो होगा वो लैटिस साइड पे होगा। कहने का मतलब ये जो बी है, आपको पता चल रहा होगा बी जो होगा वो आपका लैटिस साइड पे होगा और ए जो होगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे होंगे। वही बात लिखा हुआ है यहाँ पर, एनायन विल ऑक्यूपाई ऑल द लैटिस साइड। तो सारे लैटिस साइड पर एनायन ऑक्यूपाई करेंगे, और आपको पता है कि क्योंकि उसका 2 टाइम्स कैटायन है तो कैटायन को टेट्राहेड्रल वॉइड पे ही होना चाहिए, है ना। तो उसका एक एग्जाम्पल Na2O है, राइट। तो यहाँ पर हमने सारा तरह पर का आयनिक स्ट्रक्चर देख लिया। अब इनको मैं फिगर से रिप्रेजेंट कर दूं। ये देखो इस फिगर में आपको एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, राइट। तो यहाँ पर मान लो ये ग्रीन वाले जो स्फेयर है, ये ग्रीन वाले स्फेयर ऑक्सीजन है, राइट। तो ये देखो सारे के सारे कॉर्नर्स पर है, ठीक है, सारे के सारे कॉर्नर्स पर है, आपको नजर आ रहा होगा सारे के सारे कॉर्नर्स पर है, और साथ में फेस सेंटर पर भी है, राइट। बट ये जो केटायन है ना, ये टेट्राहेड्रल वर्ड पे नजर आ रहे होंगे। तो 8 केटायन इस तरह से आपको दिख रहा होगा, 1, है ना, 2 3 4 5 6 7 8, टोटल मिला के 8 केटायन्स होंगे जो कि इनके बॉडी सारे के सारे बॉडी डायगोनल्स पे होंगे। और ये जो एनायंस होंगे, ये एनायंस कहाँ पर होंगे, सारे के सारे लैटिस साइड में, मतलब कि कॉर्नर और फेस सेंटर पर होंगे, राइट। तो ये एंटी फ्लोराइड टाइप पर का स्ट्रक्चर है।